हेलो एवरीवन, आई एम संकेत एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने पॉलिटिकल साइंस का जुलाई 2018 का पेपर डाला था, और मैंने बोला भी था कि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्ट्री और सोशल वर्क का भी डालूंगा। तो इस वीडियो में मैं हिस्ट्री का पेपर 2 का जुलाई 2018 का पेपर डाल रहा हूँ। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस वाला पेपर देखना है तो मैं राइट साइड में आपको यहाँ पर कार्ड दिख जाएगा इस टाइम पर, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो पर जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते बिना देर किए मैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मैच द लिस्ट। लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है। लिस्ट वन में थिंकर्स के नाम दिए हुए हैं और लिस्ट टू में डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री दिया हुआ है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A3, B4, C1 और D2। यहाँ आप इसको मैच करके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ रॉन्गली मैच, इसमें से कौन सा है जो कि गलत मैच किया हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, TV, महालिंगम, द पांड्यन किंगडम। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्री हिस्टोरिक साइट्स इज नोन फॉर द मास प्रोडक्शन ऑफ मैक्रोलिथ्स। तो थर्ड का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एडमगढ़। अब आते हैं फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स आर नोन फ्रॉम द कॉपर होर्ड साइट्स। तो फोर्थ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A, B, C and D, एंथ्रोपोमोर्फिक पिक्चर्स फिगर्स, एंटीना स्वॉर्ड्स, हारपून्स और फ्लैट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अवेयरनेस एंड टेक्निकल स्किल ऑफ हरप्पन्स फॉर द वाटर सोर्स मैनेजमेंट। तो फिफ्थ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, A and B, धोलावीरा और मोहिंजोदारो। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग जनाज आर मैंशनड इन द ऋग्वेदा। सिक्स का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A, B, C and D, चारों के चारों, यदु, पुरु, छेदी और मत्स्य। क्वेश्चन नंबर 7, द इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल नेक्स्ट टू द किंग ड्यूरिंग द वैदिक एज वॉज। तो सेवेंथ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पुरोहित। तो जैसे कि मैं ये जो वीडियो है इसको मैं इंग्लिश में डाल रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मैं इसका हिंदी वर्जन भी डालूंगा। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी का वर्जन दूंगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे जो पेयर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जो कि है अजातशत्रु मगध। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन डिस्प्यूट बिटवीन द दिगंबरा एंड स्वेतंबरा सेक्ट्स वॉज ड्यू टू द एम्फेसिस ऑन द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डिसिप्लिन एंड हार्ड लाइफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। टेंथ का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लौरिया, नंदनगढ़, बुल, ये करेक्टली मैच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में है असर्शन और रीजन। असर्शन में दिया है, द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ कौटिल्या एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इज रिगार्डेड एज डाउटफुल। रीजन में है, पतंजलि डज नॉट मैंशन कौटिल्या, दो ही रेफर्स टू द सभा ऑफ चंद्रगुप्त एंड द मौर्यस मिगस्थनीज द एम्बेसडर ऑफ सेलिकस टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त डज नॉट नोटिस कौटिल्य। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 12th, विच अमंग द फॉलोइंग संस्कारज वेर प्री नेटल। तो 12th का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, A, B and C, गर्भधाना, पुंसवना और सी सीमांतोनया। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग धर्मसूत्रस डिस्क्राइब सी वॉयज एज अ डिग्रेडिंग एक्ट। तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, बौद्धियाना। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धा वॉज सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड इन सुंगा आर्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A, B, C and D, चारों के चारों, चतरा, फुटस्टेप्स,
धर्म चक्र एंड बोधि ट्री. 15. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशनड इन द सतवाहाना इंस्क्रिप्शंस वाइल स्पेसिफाइंग द एग्जेम्पशंस ग्रांटेड टू द डोनीज ऑफ लैंड गिफ्ट्स. 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नो फोर्स्ड लेबर. 16. हु अमंग द फॉलोइंग डिपिक्टेड शिवा ऑन देयर कॉइन्स. तो 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चारों के चारों, हर्ष, ससंक, वासुदेव और विम कदपिशेस. क्वेश्चन नंबर 17, मैच द लिस्ट है, प्लेस ऑफ इंस्क्रिप्शन दिया है और इश्यूअर ऑफ इंस्क्रिप्शन से मैच करना है. तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है A3, B1, C2 और D4. क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन और रीजन दिया. असर्शन में बोल रहा है कि इन द कोर्स ऑफ हिज इंडियन टूर इन द 5th सेंचुरी फाहसिन रिपोर्टेड दैट नो रिस्पेक्टेबल पर्सन एट मीट इन दिस कंट्री. रीजन, अशोका हु हिमसेल्फ वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन द डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन इंजरी टू मैन एंड एनिमल्स हैड अबैंडन्ड एनिमल सेक्रीफाइसेस एंड रेगुलेटेड द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स फॉर फूड. तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 19, फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द लैंड मेजर्स इन बंगाल ऑफ द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड्स. चूज द आंसर इंडिकेटिंग देयर ऑर्डर फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोएस्ट यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो 19 में आपको बताना है कि हाइएस्ट से लेकर लोएस्ट में आपको अरेंज करना है. तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पहले सी फिर ए फिर बी. क्वेश्चन नंबर 20, एविडेंस ऑफ वाटर टैक्स इज प्रोवाइडेड बाय द इंस्क्रिप्शंस ऑफ. तो 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गादवालास. 21, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट टू एक्सप्लेन दैट द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस अकाउंट्स फॉर द डेली राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन. 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, आर्यभट्ट. 22, हु अमंग द फॉलोइंग वेर ग्रेट तमिल सैवा सेंट्स. चूज द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो आपको यहाँ पे बताना है कौन से इनमें से सेंट्स थे. तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए बी और सी. 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ द राष्ट्रकूटाज. तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, द कैलासा टेम्पल ऑफ एट इल्लोरा वॉज कट आउट एट द इंस्टेंस ऑफ कृष्णा 2. 24, अंडर द चोलाज लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड थ्रू द. 24 का आंसर ऑप्शन नंबर 2, ग्राम सभा. 25, अरेंज द फॉलोइंग किंग्स ऑफ कश्मीर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. यानी जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है. 25 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, पहले सी फिर बी फिर डी फिर ए. 26, अरेंज द फॉलोइंग इन द ये भी आपका वही है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको उसको अरेंज करना है. तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सी ए बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अ न्यू टेंडेंसी टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स इज इलस्ट्रेटेड बाय सच टाइटल्स एज लता संधि विग्राहिका इन द रिकॉर्ड्स ऑफ. 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कल्याणा चालुकास. 28, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है. तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पहले डी फिर सी फिर बी फिर ए. 29th, मैच द लिस्ट 1 और विथ मैच विथ लिस्ट 2. तो लिस्ट 1 में टेंपल के नाम दिए हैं और लिस्ट 2 में बिल्डर क्वीन दिया हुआ है. तो 29 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, A1, B4, C3 और D2. फिर से मैच द लिस्ट है. 30th का इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, A4, B2, C1 और D3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द गोलाकी मथा. तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चारों के चारों. इट वॉज लोकेटेड इन दहाला मंडला.
इट वॉज अ साइवा मोनेस्ट्री. कलाचूरी युवराजा आई ग्रांटेड युवराज वन ग्रांटेड विलेजेस फॉर इट्स मेंटेनेंस. सद्भ शंभु वॉज द हेड ऑफ द मठ. 32 घाटी यंत्र वॉज यूज इन अर्ली मीडिएवल इंडिया फॉर. तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इरिगेशन फ्रॉम वेल्स. 33 में एजर्शन दिया हुआ है आपको और रीजन भी दिया है. एजर्शन में बोल रहा है जय वर्मन 2 इंस्टीट्यूटेड द देवराज कल्ट इन कंबुजा. रीजन में दिया है बाय इट ही वॉन्टेड कंबुजा टू बी इंडिपेंडेंट. तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1. बोथ ए एंड आर आर ट्रू. आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 34 वॉट इज नॉट करेक्ट अबाउट अरब ट्रेवलर इश्तकारी. 34 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1. ही वॉज रेसिडेंट ऑफ कर्क इन खुरासान. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3. ए सी और डी करेक्ट आंसर है इसका. क्वेश्चन नंबर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अमीर खुसरो. 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 घुनियात अल मुनिया. 37 हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ कश्मीर कमीशन मुल्ला अहमद टू ट्रांसलेट द महाभारत इनटू पर्शियन. तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सुल्तान जैनुल अबिदीन. 38 द अर्लीस्ट ऑफ द जैन कल्पसूत्र पेंटिंग्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मालवा एंड जौनपुर. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे. एसर्शन और रीजन दिया है. एसर्शन में बोल रहा है बरानी राइट्स सुल्तान मोहम्मद तुगलक टॉक्ड एज इफ ही हेटेड लो बॉर्न पीपल मोर देन ही हेटेड आइडल्स नेवर द लेस आई हैव सीन हिम प्रमोटिंग नजबा द लो बॉर्न सन ऑफ म्यूजिशियन टू सच एन एक्सटेंट दैट ही रोज हायर इन स्टेटस देन मैनी मालिक्स फॉर गुजरात मुल्तान एंड बडाओं वेर पुट इन हिज चार्ज. इट वॉज स्ट्रेंज हाउ ही गेव हाई ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट्स ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज एंड ग्रेट प्रोविंसेस टू मैन ऑफ लो एंड मीन बर्थ. रीजन में दिया है द सुल्तान बिलीव इन ऑफिसेज बींग ओपन टू टैलेंट ही डिस्पेंस्ड विथ वॉट एवर considerations of birth has had persisted in the administration and appointed low-born persons to the highest offices in the administration. तो यहाँ पे आपका 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 40 द सुल्तान इन्वोक्ड पर्शियन मोनार्किकल ट्रेडिशंस एंड एडजस्टेड देम टू द इंडियन मिल्यू. द बुक्स अदब अस सलतीन एंड मसीर उस सलतीन विच ही हैड ऑब्टेन्ड फ्रॉम बगदाद फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज सन डेल्ट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ पर्शियन मोनार्की विच ही वॉज ईगर टू इमिटेट इन ऑल देयर डिटेल्स एट दिल्ली. आइडेंटिफाई द सुल्तान. तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 इल्तुतमिश. क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑर्डर दैट मुस्लिम वुमेन वेर नॉट टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेज और गो टू विजिट टूम्स आउटसाइड द सिटी ऑफ दिल्ली. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी एंड डी फिरोज तुगलक और सिकंदर लोदी. अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 42 एसर्शन और रीजन दिया. एसर्शन में पूछ रहा है बोल रहा है बलबन अपॉइंटेड ख्वाजा टू इम्पॉर्टेंट इकताज टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम मुस्तसरफ्स. ही वॉज अ सिविल ऑफिशियल एंड डेल्ट विथ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स. रीजन द अपॉइंटमेंट ऑफ सच एन ऑफिसर बाय द सुल्तान ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वजीर सजेस्ट द डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ सुल्तान टू कीप एन आई ऑन द रेवेन्यू डिविजन एंड पुट अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द मुख्ताज. तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 43 विथ रिगार्ड टू अकबर्स नोबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो 43 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 एट द सेम टाइम ही डिस्क्रिमिनेटेड द शेख ज़ादाज जो कि है इंडियन मुस्लिम्स. 44 विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कबीर्स कॉम्पोजिशंस. 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी एंड डी, यानी कि चारों के चारों इसका सही आंसर है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 45. मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन में टेक्निक दिया है, लिस्ट टू में सोर्स है आपको बताना. तो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है A3, B1, C4 और D2. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एजर्शन और रीजन. 46 नंबर एजर्शन में दिया, इन द मीडिएवल पीरियड द डैम वॉज अ मच एन इंडेक्स ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉपर एज द रुपी वॉज ऑफ सिल्वर. इंटरेस्टिंगली द रीजनल प्राइस वेरिएशंस अटेंड अ मच ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द केस ऑफ कॉपर मेटल देन इन दैट ऑफ गोल्ड और सिल्वर. और रीजन में दिया है, द मेन सप्लाईज वेयर फ्रॉम द माइंस ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द अरावली एंड द विंध्यान रेंजेस. द प्रॉक्सिमिटी ऑफ दीज कुड प्ले अ लार्ज पार्ट इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंड ऑफ डिफरेंसेज इन प्राइस अमंग वेरियस मार्केट्स. तो 46 का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जो कि है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है 47. बाय एन इम्पीरियल फरमान विच ऑफ द फॉलोइंग राजाज ऑफ अंबर वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम यूजिंग द मकराना मार्बल इन इज ओन वतन जागीर. तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मिर्जा राजा जय सिंह. 48 करेक्ट मैच द फॉलोइंग है, ट्रैवलर का नाम दिया, नेटिव कंट्री दिया है. 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अब्दुल रजाक सीरिया. 49 हिज ग्रेट ग्रैंडफादर हैड रिटन एन अकाउंट ऑफ मैनी एनिमल्स प्लांट्स एंड पीपल बट हैड नॉट ऑर्डर हिज पेंटर्स टू मेक पिक्चर्स ऑफ देम. आइडेंटिफाई दिस रॉयल ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंडसन पेयर. तो ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडसन का पेयर को आपको मैच करना है. तो 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, बाबर और जहांगीर. 50 हु अमंग द फॉलोइंग केप्ट वन सेक्शन ऑफ हिज लाइब्रेरी इन द हरम वेयर द लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड रीड आउट बुक्स टू हिम बिफोर ही वेंट टू स्लीप. 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अकबर. 51 अ मुगल एम्परर शोड टू द कंजर्वेटिव एंड रिलीजियस माइंडेड पर्सन दैट द लैंग्वेज इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस जुबान ई कुदरत बट इट इज़ अ वर्डली प्रोसेस ऑफ लर्निंग. टू प्रूव हिज आर्ग्यूमेंट ही थ्रू हिज प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कैप्ट द न्यूली बॉर्न इन अ कम्प्लीटली सेक्लूडेड प्लेस नोन एज गुंग महल नेम द मुगल एम्परर. 51 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अकबर. नेक्स्ट क्वेश्चन है 52. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनुस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस इन अकबरनामा. 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए बी सी एंड डी, चारों के चारों. 53 विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वेर इन जहांगीर कोर्ट. तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बी एंड सी, उस्ताद मंसूर और मीर सैयद अली. 54 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है. 54 का आंसर ऑप्शन नंबर 4, जो कि है बी एंड सी ओनली. शिवाजी इज दैट सॉ मोमेंटरी क्लिप्स ऑफ द पॉलिटी ही हैड फाउंडेड एज हिज सन संभाजी वॉज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाई औरंगजेब. और सी मराठा सरदार्स इनलार्ज देयर रिसोर्सेज बाय अ रिगोरस कलेक्शन ऑफ चौथ फेलिंग विच दे सब्जेक्टेड द रिकैल्किड्रेंट टेरिटरी टू प्लंडर. तो बी और सी इसका सही आंसर है ऑप्शन. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55. ऑल्दो टेकन अ बैक फ्रॉम द बाय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर एंड इट्स गार्डन्स विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स डिक्रीड इन हिज सिक्स्थ रेगनल ईयर दैट नो किंग शुड विजिट देयर अनलेस ऑन मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेसेस एज ही बिलीव दैट द परस्यूट ऑफ प्लेजर वॉज इनएडिक्वेट रीजन फॉर गोइंग टू कश्मीर. 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि औरंगजेब. 56 अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पहले सी फिर बी फिर ए फिर डी. 57 में मैच द लिस्ट है, लिस्ट वन में जेन टर्म्स दिया है और उसके मीनिंग आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, तो मैच करना है. 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
A2, B4, C1 और D3। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 58 असर्शन और रीजन दिया। असर्शन में बोल रहा है, गुरु अमरदास फॉलोड प्रीवियस प्रैक्टिस इन अपॉइंटिंग हिज सक्सेसर। रीजन में दिया, द सक्सेशन ऑफ गुरुशिप वॉज कन्फर्ड बाय हिम ऑन सन इन लॉ रामदास एंड हिज डिसेंडेंट्स, देयर बाय मेकिंग गुरुशिप हेरिडिटरी। 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। 59, आफ्टर स्टॉर्मिंग सिरहिंद, बंदा बहादुर adopted the title of Padshah, started a new calendar and issued coins bearing the names of which gurus? 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुरु नानक एंड गुरु गोबिंद सिंह। 60, राइटर के नाम दिए हैं और उनका काम दिया हुआ है, तो कौन सा इसमें से करेक्टली मैच नहीं है वो आपको बताना है। 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खाफी खान मसीर ई आलमगिरी, ये सही नहीं है। 61 में असर्शन और रीजन दिया है। असर्शन में बोल रहा है, अकबर वॉज कीन टू एक्सटेंड ऑपरेशन ऑफ मेजरमेंट एंड रियलाइज रेवेन्यू इन कैश, इन दिस रिगार्ड ही वॉज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड ओवर स्ट्रिक्ट। रीजन, वाइल अकबर्स दीज रिफॉर्म्स वेर बींग कैरिड आउट अंडर द गाइडेंस ऑफ शाह मंसूर एंड टोडरमल, म्यूटिनी ब्रोक आउट इन बिहार एंड बंगाल। 61 का आंसर ऑप्शन नंबर 4, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, ड्यूरिंग द मीडिएवल पीरियड द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन कैश पेमेंट मेड अगेंस्ट हुंडी वॉज नोन एज। 62 का आंसर ऑप्शन नंबर 1, अंत। 63, मैच आर्टिशियंस इंगेज इन बिल्डिंग, मैच द लिस्ट है, आर्टिशियंस के नाम दिए हुए हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में मॉडर्न कोनोटेशन दिया हुआ है उनका। तो 63 का आपको जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, A4, B1, C2 और D3। 64, ऑफ ऑल द सोवेरेंस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर, ऑफ ऑल द सोवेरेंस ऑफ दिल्ली, नो वन सिंस सिकंदर लोदी हैज़ एवर बीन अपेरेंटली सो डिस्टिंग्विश्ड फॉर डिवोशन ऑस्टेरिटी एंड जस्टिस एज हिम। इन द अबव पैसेज कफी खान इज अपलॉडिंग द जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर्स। 64 का आंसर ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब। 65, नेम द हिस्टोरियंस हु हैव डायरेक्टली क्वेश्चन द सेंट्रलाइज कैरेक्टर ऑफ द मीडिएवल इंडिया स्टेट। 65 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ए एंड डी, बोटनस्टाइन और फ्रैंक पर्लिंग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग 66, ऑथर के नाम दिए हुए हैं, बुक के नाम दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, A4, B1, C2 और D3। 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फैक्टर फॉर ला बॉर्डोनाइस टू डिफाई डुप्लिक्स इन गिविंग बैक मद्रास टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, ला बॉर्डोनाइस हैड बीन ऑर्डर टू लीव द कोस्ट एंड रिटर्न बैक टू मॉरिशियस बाय द फ्रेंच होम गवर्नमेंट। 68, विच लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द टर्म शेड्यूल्ड कास्ट। 68 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब आते हैं 69 पे, विच ब्रिटिश ऑफिशियल हैड रिटन अबाउट द अनसर्टेन लैंड कंडीशंस प्रिवेलिंग इन नॉर्दर्न इंडिया दैट इन द लैंडेड प्रॉपर्टी ऑफ कंट्री अ वेरी एक्सटेंसिव एंड मेलंकली रेवोल्यूशन हैड बीन अफेक्टेड। तो 69 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हॉल्ट्स मैकेंजी। 70, असर्शन दिया हुआ है, सम ऑफ द प्लेजेंट रेबिलियंस इन प्री 1857 इंडिया वॉज पार्टिसिपेटेड एक्सक्लूसिवली बाय द ट्राइबल पॉपुलेशन हुज पॉलिटिकल ऑटोनॉमी and control over local resources were threatened by the policies of the British rule. Reason diya hai, in the late 18th and early 19th centuries, the revenue reform of the company's government and had fundamentally affected and altered the Indian rural society. To isme se kya correct hai? 70 ka answer hai option number 1, both A and R are true and R is the correct explanation of A.
71 में लिस्ट वन में ऑथर का नाम दिया, लिस्ट टू में वर्क उनका दिया हुआ है। 71 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, A3, B4, C2 और D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन एमिनेंट ओरिएंटलिस्ट? तो 72 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, चार्ल्स ट्रेविलियन। 73। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम थिंकर्स परसुएडेड द उलमाज इन इंडिया टू वर्क फॉर इंडिपेंडेंस इन कोऑपरेशन विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस? 73 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जमाल अल दीन अफगानी। 74। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आइडियाज प्रोपगेटेड बाय ज्योतिबा फुले इज नॉट करेक्ट? 74 का आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फुले नॉट ओनली पुट हिमसेल्फ आउटसाइड द ब्राह्मणिक कल्चर सिस्टम बट ऑल्सो आउटसाइड ऑफ हिंदू सोसाइटी। 75। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स अर्न द एपिथेट ऑफ क्लेमेंसी? 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड कैनिंग। अब आ जाते हैं 76 पे। इन नेशनलिस्ट आइकोनोग्राफी हुज सेलिब्रेटेड पेंटिंग ऑफ भारत माता और मदर इंडिया केम टू सिंबलाइज दिस न्यू इमेज ऑफ इंडिया? 77 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अभिनिंद्रनाथ टैगोर। में रीजन, महात्मा गांधी रोट इवन स्वदेशी लाइक एनी गुड थिंग कैन बी रिडन टू डेथ इफ इट इज मेड अ फेटिश। रीजन में दिया है महात्मा गांधी ओपाइन स्वदेशी इज अ डॉक्ट्रीन दैट हैज इट्स रूट इन द प्योरेस्ट अहिंसा दैट इज लव। 78 का आंसर ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 79 में है मैच द लिस्ट, नेशनलिस्ट वुमेन के नाम दिए और उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में मैच करना है आपको। 79 का आंसर ऑप्शन नंबर 2, A3, B4, C1 और D2। क्वेश्चन नंबर 80। विच कंट्री इम्पोज स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इंडियन इमिग्रेंट्स फ्रॉम लैंडिंग कैरीड बाय द शिप कोमगाटू मारू इन मार्च 1914? तो 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, कैनेडा। क्वेश्चन नंबर 81। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग टॉप लेवल पॉलिटिकल नेगोशिएशंस दैट टुक प्लेस टू कंसीलिएट द मुस्लिम लीग पोजीशन? तो 81 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, डी फिर सी फिर ए फिर बी। 82। आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल हु रिमाइंडेड जवाहरलाल नेहरू फ्रीडम कम्स टू इंडिया नॉट टू द कांग्रेस अर्जिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ अ कैबिनेट दैट इंक्लूडेड द एबलेस्ट मैन रिगार्डलेस ऑफ पार्टी एफिलिएशन? 82 का आंसर ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। 83। द सेकेंड 5-year प्लान विच एम्ड एट एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर स्टेट एज्यूमिंग लीडिंग रोल वॉज ऑल्सो नोन एज? 83 का आंसर ऑप्शन नंबर 4, द PC महालनोबीज प्लान। 84। एजर्शन में दिया है, इन द एंड एनलाइटमेंट ब्रॉट द वर्ल्ड ऑफ यूरोप into the modern era. Reason, the scientific revolution of the 17th century had created the basic intellectual milieu in which the enlightenment was born. 84 ka sahi answer option number 1, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next question is, match the following. List 1 diya author ke naam, list 2 is title of the book. To 85 ka correct answer hai option number 4, A2, B4, C1 or D3. 86. Which among the following statement which one is not correct? So 86 ka sahi answer option number 2, enlightenment writers aimed at rebuilding human society institutions and knowledge on the foundation of old structures. 87. At which session of the Indian National Congress the procession was jointly held by the Congress president Motilal Nehru and Muslim League president Hakim Ajmal Khan? 87 का आंसर ऑप्शन नंबर 2, अमृतसर सेशन 1919। विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज नॉट एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी फॉर कम्युनिकेटिंग हिज आइडियाज? 88 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, द लीडर। क्वेश्चन नंबर 89। असर्शन दिया है, डिस्पाइट इट्स नेम द हिंदू कोड बिल वॉज टू अप्लाई टू सिख्स बुद्धिस्ट एंड जैन्स एज वेल एज हिंदू कास्ट एंड सेक्ट्स। रीजन में दिया है, आफ्टर इंडिपेंडेंस among those favoring a common civil code
वेयर द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड द लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो 89 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 90 मैच द फॉलोइंग है. लिस्ट वन है सोशल रिफॉर्मर एंड लिस्ट टू इज देयर एसोसिएशन. तो 90 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर जो कि है ए टू बी फोर सी वन एंड डी थ्री. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91 असर्शन द ह्यूमैनिटीज ऑफ द रेनेसा पीरियड बिलीव दैट द क्लासिकल एंटिक्विटी कॉन्स्टिट्यूटेड अ रिजर्वायर ऑफ एक्सीलेंस लिटररी इंटेलेक्चुअल आर्टिस्टिक एंड मॉरल. रीजन द वर्नाकुलर ट्रांसलेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स ड्यूरिंग द रेनेसा हेसन द प्रोसेस ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑफ सोसाइटी. 91 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर टू. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 92 वेयर डिड द नेशनलिस्ट वोकलिस्ट पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कार एस्टैब्लिश हिज फर्स्ट गंधवारा महाविद्यालय इन 1901. 92 करेक्ट आंसर है लाहौर. 93 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म इज नॉट करेक्ट. 93 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू. अंडर पोस्ट मॉडर्निज्म एजम्पशन सच एज द आइडिया ऑफ साइंस एज ट्रुथ एंड द सुपीरियोरिटी ऑफ द वेस्ट आर हेल्ड एज एब्सोल्यूट. 94 विच प्रोविंस वेंचर्ड टू कंस्ट्रक्ट इरीगेशन कैनाल्स थ्रू प्राइवेट कंपनीज बाय अश्योर्ड रिटर्न्स ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स इन द अर्ली 60s ऑफ द 19th सेंचुरी. 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन मद्रास. 95 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सुबल्टर्न स्टडीज प्रोजेक्ट इन इंडिया. 95 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फोर रामचंद्र गुहा. मैच द फॉलोइंग. 96 ऑथर के नाम है और द वर्क दे हैव डन. 96 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री ए थ्री बी फोर सी टू और डी वन. 97 में असर्शन हिस्टोरिकल मेथड मे बी रिगार्डेड एज अ साइंस दैट डील्स विद द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट एंड द सर्कमस्टेंसेज विच कंडीशन इट्स ट्रूथ और वैलिडिटी. रीजन एज अ साइंस ऑफ नॉलेज हिस्ट्री इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम नेचुरल साइंस बिकॉज इट डज नॉट हैव यूनिवर्सल लॉज. 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98 विच हिस्टोरियन रोट द फॉलोइंग वर्ड्स द डेफिनेशन एंड डेमार्केशन ऑफ एजेस इन द हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री आर प्रॉब्लमैटिक इशूज. दीज हैव बीन स्पेशली सो इन द केस ऑफ इंडिया बिकॉज आर हिस्टोरियंस ऑल ब्रिटिश टू बिगिन विद बोरोड द हाईली अनसूटेबल पैराडिग्म ऑफ एंशियंट स्लैश मीडिएवल स्लैश मॉडर्न फ्रॉम द यूरोपियन एक्सपीरियंस एंड फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द मैटर बाई इन्वेंटिंग थ्री अदर एजेस हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश. तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री टपन राय चौधरी. क्वेश्चन नंबर 99 फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिस्ट्री राइटिंग बाय लियोपार्ड वॉन रैंक विच वन इज नॉट ट्रू. 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थ्री. रैंक बिलीव दैट हिस्टोरिकल इमेजिनेशन कुड बी यूज्ड इफ डॉक्यूमेंट्स वेर नॉट अवेलेबल फॉर हिस्ट्री राइटिंग. अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में. ये क्वेश्चन एक्चुअली गलत दिया हुआ था पेपर में तो इसीलिए इसका आंसर नहीं दिया था. तो इसी के साथ ही मैं ये वीडियो को ख़त्म करूँगा. और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. बताइए हमें कि और कौन किस किस चीज़ पे आप वीडियो देखना पसंद करोगे और आपको जिसकी ज़रूरत है तो वो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं सोशल वर्क का डालूँगा, सोशल वर्क का पेपर. तो बने रहिए हमारे साथ और थैंक यू फॉर वॉचिंग.